तो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और निरंजनी अखाड़ा के सचिव महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध हालातों में मौत के मामले में उन्हीं के शिष्य आनंद गिरी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आनंद गिरी शक के दायरे में इसलिए भी है क्योंकि नरेंद्र गिरी से उनके लंबे समय से विवाद चले आ रहे थे, जो सबको पता था। ओम नमो नारायण। मैं आनंद गिरी मुझे गुरुदेव को कान पकड़ करके अपनी सारी गलतियों की सबसे पहले माफी मांगता हूं। महंत नरेंद्र गिरी के पैर पकड़कर कान पकड़कर माफी मांग रहे ये हैं आनंद गिरी। आनंद गिरी महंत नरेंद्र गिरी के सबसे करीबी शिष्यों में से एक थे, लेकिन अब यही अपने गुरु की मौत के आरोप में पुलिस की गिरफ्त में है। महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में उनके शिष्य आनंद गिरी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वजह है महंत नरेंद्र गिरी के शव के पास से मिला सुसाइड नोट जिसमें आनंद गिरी का नाम है। सूत्रों के मुताबिक नरेंद्र गिरी ने अपने सुसाइड नोट में लिखा है, जब तक जिया सम्मान से जिया, सभी को सम्मान दिया, अपमान में जीना नहीं चाहता, डिप्रेशन में हूँ, मैं क्या करूँ, कैसे रहूँ, आनंद गिरी के कारण मेरी बहुत बदनामी हुई, किस किस को सफाई दूँ, इससे अच्छा है कि मैं दुनिया से चला जाऊँ, चंद शिष्यों को छोड़कर सभी ने मेरा बहुत ध्यान रखा, मेरे शिष्यों का ध्यान रखिएगा। आनंद गिरी शक के दायरे में इसलिए भी हैं क्योंकि नरेंद्र गिरी से उनका पुराने समय से विवाद चल रहा था। बाघम्बरी मठ की 300 साल पुरानी वसीयत को लेकर आनंद का नरेंद्र से विवाद चल रहा था। आनंद ने नरेंद्र गिरी पर मठ की 8 बीघा जमीन 40 करोड़ में बेचने का आरोप लगाया था। आनंद ने जमीन बेचने का विरोध करने पर अखाड़े के सचिव की हत्या का आरोप भी लगाया था। आनंद ने नरेंद्र गिरी पर अपने गनर अजय सिंह के नाम बेनामी संपत्ति खरीदने का भी आरोप जड़ा था। आनंद ने नरेंद्र गिरी पर ड्राइवर बिपिन को बड़ा मकान बनाकर देने का आरोप लगाया था। 2018 में ऑस्ट्रेलिया में महिलाओं से छेड़छाड़ के आरोप में फंस चुके आनंद गिरी ने ये आरोप भी लगाए थे कि उन्हें छुड़ाने के नाम पर नरेंद्र गिरी ने कई बड़े लोगों से 4 करोड़ रुपए वसूले थे। हालांकि कुछ महीने पहले गुरु चेले के बीच समझौता हो गया था, तब हरिद्वार से प्रयागराज पहुंचे आनंद गिरी ने अपने गुरु स्वामी नरेंद्र गिरी के पैरों में गिरकर माफी मांगी थी। इसके बाद महंत नरेंद्र गिरी ने भी आनंद गिरी पर लगाए गए आरोपों को वापस लेकर उन्हें माफ कर दिया था। इस मामले में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के दखल के बाद विवाद थम गया था। हालांकि विवाद थमने के बावजूद नरेंद्र गिरी के शिष्यों का मानना है कि दोनों के रिश्तों में तल्खी बरकरार थी। अब तो कोई शिष्य पे कोई भरोसा ही नहीं करेगा, गुरु परंपरा पे कोई भरोसा नहीं करेगा, इन्होंने अपने रिश्ते को शर्मसार कर दिया। आनंद गिरी फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन उन्होंने नरेंद्र गिरी की हत्या का आरोप उनके ही कुछ करीबियों पर लगाया है। साथ ही खुद को इस मामले में फंसाए जाने की बात भी कही है। इसमें कर सकते हैं अजय सिंह सिपाही है, जो उनके सिपाही हैं वो कर सकते हैं। मनीष शुक्ला एक लड़का है जिसकी शादी कराई, जिसको 5 करोड़ से ऊपर का मकान गुरुजी ने दिया, वो करा सकते हैं। अभिषेक मिश्रा है जिनका 7-8 करोड़ का मकान आजमगढ़ में बनाया, वो कर सकते हैं। और साथ में कर सकते हैं शिवेक मिश्रा जिनका भी 3 करोड़ का मकान बना गुरुजी ने दिया है। वो लोग लगातार पैसा मांग रहे थे, लगातार पैसा मांगने के कारण जब मैंने मना किया तो उनको ये बात अच्छी नहीं लगी और बार बार पैसे की डिमांड पूरी न करने के कारण गुरुजी ने ये आत्महत्या की हो सकती है। आनंद गिरी ने जिन लोगों का नाम लिया है कुछ महीने पहले उन्हीं लोगों पर अखाड़े के पैसे से संपत्ति हासिल करने का आरोप भी लगाया था। आनंद गिरी की बातों में कितनी सच्चाई है और नरेंद्र गिरी की मौत की सही वजह और सच क्या है, ये तो अब पुलिस जांच के बाद ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उधर महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में प्रयागराज के जॉर्ज टाउन थाने में FIR दर्ज कराई गई है। महंत नरेंद्र गिरी के करीबी ने यह FIR लिखवाई जिसमें कल के पूरे घटनाक्रम का जिक्र है और साथ ही आनंद गिरी की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए हैं। मेरे द्वारा अज्ञानता में नादानी बस जो गलतियां हुई उनके लिए क्षमा याचना करता हूं और अपने बयानों को जितने बयान मैंने दिए उनको वापस लेता हूं। महंत नरेंद्र की मौत के कितने रहस्य, क्या शिष्य आनंद ने रची थी साजिश? तो मैं उनसे भी क्षमा याचना करता हूँ, माफी मांगता हूँ, मैं अपने सारे बयानों को वापस लेते हुए। FIR से आनंद की करतूत बेनकाब। सोमवार शाम को जैसे ही अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी महाराज की मौत की खबर आई, पूरा भारत अवाक रह गया। महंत का शव
फंदे से लटका हुआ मिलने से सस्पेंस और गहरा गया। आत्महत्या की बात लोगों के गले नहीं उतर रही तो मौत को लेकर कई तरह के कयास भी लगने लगे हैं। महंत की मौत के मामले में अमरगिरी पवन महाराज ने प्रयागराज के जॉर्जटाउन थाने में आवेदन दिया, जिसके आधार पर FIR दर्ज की गई है। आवेदन में सोमवार को हुए पूरे घटनाक्रम का जिक्र किया गया है। अमरगिरी के हवाले से दर्ज करवाई गई FIR की कॉपी में लिखा है, भोजन के बाद महंत नरेंद्र गिरी बागम्बरी पीठ की गद्दी से दोपहर 12:30 बजे विश्राम के लिए अपने कमरे में गए। महंत नरेंद्र गिरी रोज दोपहर 3 बजे चाय पिया करते थे, लेकिन उन्होंने पहले ही चाय पीने से मना कर दिया था। शाम 5 बजे तक महंत नरेंद्र गिरी कमरे से बाहर नहीं आए और कोई सूचना नहीं मिली तो उन्हें फोन किया गया। फोन किया गया तो महंत का फोन बंद मिला, जिसके बाद शिष्यों ने उनके कमरे के दरवाजे को खटखटाया। इसके बाद सुमित, सर्वेश, धनंजय और दूसरे शिष्यों ने धक्का देकर महंत नरेंद्र के कमरे के दरवाजे को खोला। डेली के रूटीन के हिसाब से महाराज जी जब नहीं बाहर निकले तो हम लोग हल्का सा दरवाजा खटखटाया, उनके फोन पे फोन किया गया क्योंकि कुछ भगत आए थे, उनको गुरु मंत्र देना था, तो महाराज जी का फोन नहीं उठा। उसके बाद दरवाजा खींचा गया तो दरवाजा अंदर से बंद था, फिर धक्का दे करके दरवाजा को जब धक्का दिया गया छिटकनी निकल गई उसकी। FIR की कॉपी में आगे लिखा है, जब दरवाजा खोला गया तो शिष्यों ने देखा कि कमरे में पंखे में रस्सी से महंत नरेंद्र गिरी लटके हुए हैं। और एक छोटे से ब्रेक के लिए फिलहाल यहां रुकेंगे। खबरों का सिलसिला ब्रेक के उस पार भी जारी है, बने रहिए हमारे साथ।